हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ही होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आपके नाश्ते के लिए लाहौरी चने, ये जिसे आप चिक्कड़ छोले भी बोलते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अब हम चलते हैं और अपना खाना बनाते हैं। सबसे पहले हमने चनों को रात भर भिगो के रखा था और सुबह उठते ही हमने इनको बॉईल कर लिया। चने उबल में थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट भिगो के रखा था। अब हम एक गरम मसाला तैयार करेंगे और गरम मसाला में जो जो चीज़ें जाएंगी वो आप देखिए। ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा है 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, एक जायफल जावित्री का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची और एक तेज़पत्ता है और इसको मैंने सबको ग्राइंड कर लिया है। और अब चनों में जो चीज़ें चाहिए वो आप देखिए। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसकी मैंने बिल्कुल प्योरी बना ली है। ये हमने चने लिए हैं तकरीबन 100 ग्राम्स और इसको मैंने बिल्कुल पीस लिया है। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ को पीस लिया है और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। एक मीडियम साइज़ का पोटैटो लिया है, उसको भी मैंने मैश कर लिया है। अब देखिए जो गर्म मसाले और पाउडर मसाले इसमें जाएंगे। हल्दी है 1/4 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट है, काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, क्रश चिलीज भी 1/2 टीस्पून, ये आमचूर पाउडर है ये 1 टेबल स्पून, एक तेज़पत्ता है और ये गरम मसाला है जो हमने पीस के रखा है और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बन जाता है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया और उसमें मैंने अपनी प्याज की प्यूरी को डाल दिया है। ऑयल मैंने 1/4 कप लिया है। प्याज को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज का कलर चेंज हो गया, अब हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है जो हमने हरी मिर्चें डाल के ग्राइंड करके रखा था। और इसमें आपने बिल्कुल फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के डालना है क्योंकि फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल हमारे जो मसाला है ये भुन गया है। अब हम इसमें ये जो हमने आलू मैश करके बॉईल करके मैश करके रखे थे वो हम डालेंगे। ये तकरीबन 1 पोटैटो था जिसको मैं डाल दूंगी। अब जो हमने चने पीस के रखे हैं 100 ग्राम वो डाल देंगे। हमने तकरीबन 500 ग्राम्स जो चने हैं उनको बॉईल किया था और उन्हीं चनों में से मैंने 100 ग्राम्स चने निकाल के उनको पीस लिया है। अब इसे भूनेंगे ताकि ये बिल्कुल नीचे ना लगे। चम्मच चलाते रहें और ये आपके इतने मज़े के चने बनेंगे कि आप बिल्कुल बाजार के चने भूल जाएंगे और आइंदा से हमेशा घर में ही चने बनाएंगे। अब मैं इसमें एक तेज़पत्ता डाल दूंगी ताकि इसकी खुशबू जो है और इसका जो फ्लेवर है जो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है वो हमारे मसाले में आ जाए। अब मैंने इसमें सारे पाउडर मसाले डाल दिए हैं जिसमें नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और इसमें हमने अलग से साबुत ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर नहीं डालना क्योंकि वो हमने अपने गरम मसाले में डाल लिया हुआ है। चम्मच बस चलाते रहें। इसका मसाला जितने अच्छे तरीके से भुनेगा आपके चने उतने मज़े के बनेंगे। मसाले ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है यानी कि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे जिसमें से मैंने पानी उबालने के चने उबालने के बाद उसका सारा पानी गिराया नहीं था और उसको उसी के पानी में रखा था और उस पानी समेत मैं इनको ऐड कर दूँगी क्योंकि उसके पानी में चने का बहुत ज़्यादा फ्लेवर चले जाता है और जब हम उसको ड्रेन कर देते हैं तो वो फ्लेवर सारे का सारा निकल जाता है। और देखें मसाला जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे क्योंकि हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिल जाएं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। 4 मिनट्स हो गए हैं और मैं चम्मच चलाऊंगी। अब देखेंगे ये जो ग्रेवी है इसने ऑयल अलग कर दिया है यानी ये बिल्कुल तैयार है। अगर आप इस स्टेज पे अब इतनी ग्रेवी चाहिए तो आप फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है तो मैं
अभी इसको और पकाऊंगी। अब चेक करते हैं, देखिए शक्ल कितनी खूबसूरत आई है। अगर आपने नान के साथ ये चने खाने हैं तो आप ग्रेवी इतनी ही रखिए। मैंने इसको थोड़ा सा और थिक कर लिया है क्योंकि मैं थोड़े से इसकी ग्रेवी को थिक करना चाह रही थी। एंड में जो हमने गरम मसाला पीस के रखा हुआ था, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। हरा धनिया डालेंगे, हमारा मोस्ट फेवरेट, चम्मच चलाएंगे ताकि बिल्कुल ग्रेवी नीचे ना कहीं लग जाए, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा थिक कर लिया था। लेकिन आप चाहें तो इस ग्रेवी को थोड़ा पतला रख सकते हैं और नान और चने फुल इंजॉय करें, नाश्ते में बनाएं और बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये घर में बन सकते हैं। हमने इसको डिश आउट कर लिया है और अब हम मज़े लेके खाएंगे। आप भी बनाइए और मज़े लेके खाइए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।